ओके दोस्तों, आज बहुत सोना सनी दिन है, दिसंबर महीना है और लग भी नहीं रहा कि दिसंबर है। सो हम दोनों जा रहे हैं सैर करने के लिए और पति आपने कोई विचार दस दे भाई, मैनू बहुत ही चंगे आज लिया कौन दो जाना। यस टाइटल लक तो वे करियो रियली किसी नु चाहिए हो लेट मी नो डियर डील है फिर हैं, क्योंकि रेंटल रेंटल मार्केट इज रियली गुड। सो वॉक करते करते हमें इस एरिया में एक डॉगी मिला है, हमें लगा कि लॉस्ट हो गया है, पर वो पूरा फेमिलियर है इस एरिया से, आराम ना स्टेयर्स चढ़ के आ रहा है। लुक एट दिस लेक, ऐसा लग रही है कि जमी हुई है, बहुत ठंडा पर इट्स नॉट। वो आ गया ऊपर। दोस्तों ये थोड़ा जंगल जैसा एरिया है, यहाँ से वो डॉगी निकला था एंड हस्बैंड ने उसको आवाज लगाई, हस्बैंड को लगा कि एदी फोटो क्लिक करके नेबरहुड में डाल सकते ना हमारे ग्रुप पे कि अगर किसी का डॉगी मिस हुआ है तो। वो देखो एथो ये शेयर से भज गई, यू 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 यू, यहाँ जब तक हम यहाँ पहुंचे वो पेड़ों के अंदर चला गया। आई थिंक वो लुक के रहन दिया, आई थिंक ही इज अ लोनर, वो डर गया, स्केयर्ड हो गया और भज गया एडी तेजी ना। और यहाँ पे एक पानी का ना नाला जा आया, उन्हें जंप करके तू देखा है उन्हें उठे। हाँ तो पोहे को मैंने ना भिगो के रख लिया है पानी में थोड़ी देर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, अभी हम इसको क्लीन कर देंगे। तड़के में मैं आलू डालने वाली हूँ क्योंकि आलू इसमें बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, अनियन टमाटर एंड ग्रीन चिली का सिंपल तड़का होगा, पर इसमें मैं ये पीनट्स भी ऐड करूँगी एंड लेटर हम धनिया से गार्निश करेंगे। सो ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। सो मैं कोरियन स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगा 3 महीने हो गए होंगे, अभी ये बॉक्सिंग डे पे सेल थी तो मैंने
और कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एंड ट्राई करते हैं इनको ये कैसे हैं। सो मैंने दो सनस्क्रीन खरीदे हैं डिफरेंट। सो एक तो ये है ब्यूटी बाय जोसन का स्किन केयर। सो एक मैंने ये SPF लिया है, SPF 50 सीनिक ब्रांड का नेम है एंड मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा मेल्ट डाउन हो जाता है, स्पेशली ऑली स्किन के लिए बहुत प्यारा है। शिशिरो की स्टिक मैं यूज़ करती हूँ पर ये मच अफोर्डेबल है उससे। सो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये विटामिन सी यूज़ करने के लिए, जापानीज विटामिन सी है एंड मैंने सुना है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। बहुत एक्साइटेड हूँ कि शायद ये मेरी हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगा। एक तो बहुत सारे लोगों को ये विटामिन सी बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप ये मुझ पे काम करेगा। कारमेन लिया है, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। इसमें है नियासिनमाइड, स्क्वालिन एंड किसी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। बहुत सारे लोगों पर ये अच्छा काम कर रहा है, आई होप मुझ पर भी करेगा। अगली चीज़ मैंने ली है ये कामिंग जेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है एंड मुझे अच्छी लगती है यू नो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज़ करना। मल्टी विटामिन क्रीम है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि बहुत अच्छा है। ये मुझे अमेजोन पे या कहीं पे और से नहीं मिल रही थी, सो इस वेबसाइट से मिली है एंड इसको एक्साइटेड हूँ मैं ट्राई करने के लिए। सो फार ये मैंने चीज़ें नहीं खरीदी है। एंड कोरियन स्किन केयर का ये है कि इन्ग्रीडियंट बहुत अच्छी है इनकी एंड प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम। जैसे ये आई थिंक $9 का मिला है मुझे एंड शिशिरो का जो सनस्क्रीन है वो $50 का आता है। जिस तरह की लग रही है, ओ वाओ, इट्स लाइक बाम, दिख भी नहीं रही। आई हैव सम क्वेरीज, यू बेटर वर्क ऑनेस्टली ब्यूटिफुली एंड फोकस ओके। My eyes are on you. But can you tell 3 random facts about mommy? She's nice, I love her, blah, 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 and she's my favorite woman in the world. That's not a random fact about mommy, that's a random fact about you. She's a picky eater just like me. Okay, one. And she hates... You don't know mommy then. That she used to hate that sabji with that... Kadi pakora. Yeah, good job. And another one. There was another one. Fact number 3. She's a good artist. No, she's not. She's a very bad artist. Totally. It doesn't look like she made that over there. So 3 random facts about him, Matt. He loves listening made up stories by mommy from mommy. That's true. सो सेकेंड रैंडम फैक्ट है, उसे कॉमिक बुक्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो पिक्चर्स बना के ना स्टिक मैन की और उसकी कहानी भी बनाता है, सो ही इज़ वेरी क्रिएटिव। और थर्ड रैंडम फैक्ट अबाउट हिम्मत, ये जब भी पार्क में जाता है ना सबको दोस्त बना लेता है एंड सबका लीडर बन जाता है एंड खुद ही अपनी ओन क्रिएट करता है गेम्स एंड सबको इसकी गेम्स बहुत पसंद आती है तो सारे सेम चीज़ करना शुरू कर देते हैं। दैट्स रियली गुड एंड रैंडम फैक्ट अबाउट हिम। डैडी से पूछते हैं ओके हिम्मत का कोई रैंडम फैक्ट दसो जेड़ा तो लादा किसी नो नहीं पता और हिम्मत दे विच ओ चीज हैगी आ। डैडी टेल वन रैंडम फैक्ट अबाउट हिम्मत। जी मम्मा, योर टाइम इज रनिंग, माय बैटरी इज लो। यू डेयर से आई एम स्मार्ट एज यू? ही स्मार्ट लाइक हिज डैडी, आई नॉट लाइक हिज डैडी। मिमी, कैन आई टेल यू द ट्रुथ? आहा, ही डजंट इवन नो यू, दैट्स नॉट इवन अ रैंडम। Can you help? Mama, no, no, no. No, this is Olivia. But Mama, I know this club is in the car. I just feel it. But we just can't find it. Oh, maybe he turned himself invisible.
can we pick a black stool, yeah? ओके सो ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए हिम्मत काफ़ी अच्छा हैंडी आता है. सो मैंने डिसाइड कर लिया है मेरी शू क्लॉजर को क्लीन करने के लिए. बहुत लंबे समय से सोच रही हूँ पर कामयाबी नहीं मिल रही है. आई होप आज मिलेगी क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं जहाँ से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहती थी मैंने नहीं किया है. आई होप आज हम सक्सेस होंगे इस काम में. उम्मीद तो पूरी है क्योंकि जब मैं कुछ शुरू करती हूँ मुझे ख़त्म करना होता है. तो इसके चलते शायद मैं ख़त्म कर पाऊँ. सो ये प्यारी प्यारी बास्केट्स हमने ली थी आइकिया से. बहुत सारी है मेरे पास. सो सारी को ऑर्गेनाइज करते हैं. आई हैव सम पार्टी स्टफ. सो ये है हमारी समर हैट्स पार्टी स्टफ. समर हैट्स विंटर सॉक्स बिन. ओह थैंक यू अग्गी. एक और काम करना है. ओके जड़ी लिनन क्लॉजेट आदि फ्लोर के उत्ते ना रोल्स पे आदा के रोल्स हाँ और जिन प्लास्टिक दे या कोई मार्बल वर के दो तीन लिया. ओके सो ये मैं आइकिया से लेके आई थी. इनमें से इनमें कोई चीज़ें स्टोर कर देती हूँ. सबसे पहले मैं ना हम पार्टी वाला स्टफ कर देते हैं जो फिलहाल हमें नहीं चाहिए या पिकनिक के लिए चाहिए होता है. क्लियर बिन एक्चुअली अच्छे हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि क्या है. और भी कितने बड़े हैं. ओके इनमें कुछ है. Transparent with the white hat sort of gayi hai. But how I can reach up? There's two of these. Yeah, I need all of them. Yeah, there's one inside. ओके सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ क्लॉजेट. ऑर्गेनाइज है काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें से रिमूव कर दी हैं. सो एक पिग्गी बैग मैं इस क्लॉजेट में रखती हूँ क्योंकि हिम्मत अगर कहीं पे जाना चाहे तो इसमें उसका सामान ऐड कर देते हैं हम. स्नैक्स चिंगी निंगी आई लाइक कीपिंग दैट बैग देयर. एंड ऑल्सो मैंने क्या क्या रिमूव किया है यहाँ पे ना मैंने लॉन्ड्री बास्केट रखी थी एक इसलिए क्योंकि हिम्मत को एंड हस्बैंड को डाउनस्टेयर कपड़े रिमूव करके सुटना बहुत अच्छा लगता है. मैंने रखी थी कि इसी में डालेंगे तो ऊपर लेके जाया करेंगे वॉश करने के लिए पर इसको हमने यूज़ नहीं किया है. इसने यहाँ पे 8-9 महीने वेट की है. सो दैट्स दैट. और मैंने आर्ट और सप्लाई की चीज़ें जो मैं DIY करने वाली हूँ वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया है. एडजस्ट कर देते हैं फिर यहीं पर क्योंकि जल्दी ही मैं मेरे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने वाली हूँ. सो या सो फार इट्स नाइस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. अभी दवाइयाँ क्या खूबसूरत लगेंगी राइट. इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसको क्लटर्ड नहीं करेंगे. सो यू डन. ओके यू हैव टू वेट. सो हिम्मत को मैंने कुछ काम किया तो दिया था वो उसने कर लिया है. लेट्स चेक कि कितने पॉइंट्स आएंगे उसके. टीचर ने सामने सीधा खड़ा होना है एंड नो पिक पुटिंग स्टफ इन योर माउथ. मिमी नो too close to teacher. Go there. Look, we
foods at the full stop. We all have favorite foods. Same. Okay, you can do. Not bad. They are tasty and. सो जो अर्लियर मैंने आर्ट बनाई थी उसके लिए मुझे फ्रेम मिल गया बहुत अच्छा. ये मैंने लिया है माइकल से. माइकल के क्लियरेंस सेक्शन में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर इस पर कहीं पे भी थोड़ा पिद्दी विद्दी डेंट होना बहुत अच्छा ऑफ मिल जाता है. मुझे लगता है ये मुझे 70% ऑफ में मिला. पर इसमें ये जो मेरी आर्ट है बहुत खूबसूरत लग रही है एंड इसे हैंग करूँगी मैं इस वॉल पर. अभी नहीं किया है मैंने लुक. एक्चुअली मैंने ये इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें माउंटेन्स हैं एंड ये अल्बर्टा कैलगरी को यू नो रिप्रेजेंट करता है इसलिए. एंड ये जो मैंने कुछ साल पहले आर्ट बनाई थी इसको भी मैंने इस फ्रेम में ऐड कर दिया है. इसे भी मैं इसी रूम में हैंग करना चाहती हूँ स्पेशली उस वॉल पे. सॉरी दैट वॉल, क्योंकि उसका जो कलर है बिल्कुल इस पेंटिंग के थीम के जैसा है. एंड एक्चुअली ना मुझे लग रहा था कि मैंने ये किसी को दे दी जब हम मूव कर रहे थे घर. एंड जब मैंने मेरी क्लोजेट को खोला तो वहाँ पे पड़ी थी. मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माय गॉड अच्छा हुआ कि मैंने किसी को नहीं दी. मेरा मन कर रहा था कि इसे मैं ऑफिस में लगाऊँ. एंड हिम्मत मुझे बोल रहा कि तुमने अपनी इस पेंटिंग को ऐसे क्यों रखा है, तुम्हें अच्छी तरह लगानी चाहिए. आई लव दिस आर्ट, दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट पीसेस. सो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है और आर्ट करने की. सो मैंने दो तीन करी हैं आर्ट्स एंड और मैंने चीज़ें ला के रखी हैं कि मैं और क्रिएट करूँ. आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड क्रिएटिव. सो हिम्मत के उस मोटिवेशनल वर्ड्स के बाद मैंने सोचा कि मुझे और आर्ट्स करनी चाहिए. उसके लिए मैंने आर्ट कैनवस के पेपर्स लिए हैं इस बार, क्योंकि जब आप वो फ्रेमिंग वाला लेते हैं तो अच्छा है वो भी, पर मुझे ऐसे फ्रेम करना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है. इससे थोड़ा ज़्यादा एलिगेंट हो जाता आपका पीस. सो मैंने इस बार कैनवस के पेपर्स लिए हैं. होपफुली इस व्लॉग में इसमें हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कलर्स के साथ प्ले करने में, कुछ पेंट करने में, कुछ क्रिएशन में. एक्चुअली एक स्टोरी है, कैनवस ले लिए मैंने, काफ़ी महंगे आते हैं एंड मैं वहीं पर भूल गई. माइकल से लिए थे मैंने, मैं वहीं पर भूल गई और रात को आके मुझे लगा कि यार मेरी कैनवस कहाँ पर. मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं देखना चाहती थी घर पर आके और मुझे मिले नहीं. फिर मुझे लगा कि यार मैंने सेल्फ चेकआउट पर ही छोड़ दिए एंड फिर मैं बहुत उदास होगी. फिर सारी रात मेरी नींद नहीं आएगी. ओ माय गॉड मुझे मिल तो जाएंगे. अगले दिन मैं रिसीट लेके वहाँ पे गई. मैंने कहा कि मैं ना कल कैनवस लेके गई थी, मैं यहीं पे भूल गई हूँ. एंड वो कह रही कि आई डोंट नो हम ढूंढ पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं कौन काम कर रहा था. फिर ना वो ऐसे एरिया चेक करने लग गई, वो शेल्फ चेकआउट के पास थी. मैंने कहा कि यही वाले कैनवस है जो मैं लेके गई थी. एंड फिर उसने मेरी रिसीट से कोड मैच किया. शी सेड कि या ये तुम्हारे लिए है. जान जान पाई कि थैंक गॉड. एंड ना सोच समझ के लिया था मैंने एंड फिर मौत भूल गई एंड फिर मिल गए थैंक गॉड. अच्छा उस कैनवस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कुछ क्रिएट करने के लिए. सो ये प्यारी पेंटिंग देख ली है आपने. सो क्विक डिनर बनाएंगे. हिम्मत बोल रहा था कि उसे पास्ता खाना है. फॉर सम रीजंस मुझे खाने के लिए मन नहीं था तो मैंने नहीं खाया. हिम्मत का पास्ता बिल्कुल सिंपल है, रोज़े ही सॉस में. एंड हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी वेजीज करी हैं एंड उन्होंने यही उनका डिनर हो गया.
क्विकली किचन को क्लीन करके बंद कर देंगे। इसी तरह आज का व्लॉग होता है पूरा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों एंड बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। जस्ट स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच। बाई।